हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुत्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश भूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं आपके लिए ये एक नंबर और दो नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक लेके आई हूँ। तो देखिए मैं डिज़ाइन कैसी बताऊँगी। ये चोली मेरी बनी हुई रखी है पहले से ही। अगर आपको बनानी हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी आपको आई बटन और एंड स्क्रीन पर, तो वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं स्टार्ट करती हूँ कैसे बनानी है इसका बेस। हम यहाँ से सिल्प स्टिच कर देते हैं, यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू की सीध तक हम यहाँ तक लेके आते हैं। देखिए ये कट लग रहा है मेरा, यहाँ पर बाजू की सीध तक हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ले आते हैं। तो चलिए मैं बाजू की सीध से ही बनाना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो यहाँ से सबसे पहले इस तरीके से ब्लॉक कर लिया ये मैंने, और न्यू डिजाइन है गाइस, नई है बिल्कुल। तो देखिए एक तीन हो गई, एक लॉक करने की चेन भी काउंट करेंगे, तीन चेन हो गई, चार पांच चेन हो गई गाइस। देखिए ये मेरी पांच चेन हो गई। पांच चेन के बाद ये वाली जो इसके पास वाली चेन है इसको स्क्रिप कर दूंगी मैं, इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ इसे ज्वाइंट कर दूंगी। तो देखिए ये होगी हमारी सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट हो गई। अब देखिए गाइस, फिर एक दो और तीन चेन ले ली, और फिर नेक्स्ट वाली चेन स्क्रिप करूंगी, और उससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ज्वाइंट कर दूंगी इसको। तो देखिए हमारा इस तरीके से आ रहा है, ये धागा आ गया है, इसे पीछे कर देते हैं इस तरीके से। और फिर मैं तीन बार चेन लूँगी, एक दो तीन चेन ले ली, और फिर एक चेन स्किप करूँगी। एक चेन स्किप करने के बाद सेकंड नंबर की चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देती हूँ। देखिए गाइस इस तरीके से, फिर मैं तीन बार चेन लूँगी, एक दो तीन, और फिर एक चेन स्किप करूँगी ये वाली, और इससे नेक्स्ट वाली थर्ड नंबर की चेन में मैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूंगी। इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना गाइस। तो चलिए मैं करके दिखाती हूँ। अब देखिए पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ सिल्प स्टिच करेंगे, तो मैंने तीन की चेन ले ली है, और ये वाली चेन स्क्रिप करके देखिए यहाँ हमने पांच बनाए थे, तो पांच में से दूसरे नंबर की जो चेन है उसके ऊपर मैं सिंगल डबल सिल्प स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। तो फिर देखिए अब इस वाले धागे को छोड़ के दूसरे नंबर का धागा। तो देखिए गाइस ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो गया, मैं दूसरा राउंड बनाऊंगी। ये मैंने सिर्फ स्टिच करना बता ही दिया आपको। अब देखिए दूसरा लॉक कर लिया मैंने धागा, और धागे को काटेंगे नहीं, इसी में रहने देंगे। अब देखिए एक दो तीन चार, क्योंकि ये पहले राउंड में हमने तीन चेन ली थी, तो अब एक चेन हमने बढ़ा दी, अब हो गई चार चेन। अब जो हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया थी, इस सिंगल डबल क्रोशिया के अंदर डालेंगे, और यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ही जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए एक दो तीन चार, एक चेन बढ़ा दी हमने, तीन चेन के ऊपर चार चेन ले रहे हैं, फिर सिंगल डबल क्रोशिया के अंदर डालेंगे, और फिर सिंगल डबल क्रोशिया के साथ ही जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक दो तीन चार, और फिर ये सिंगल डबल क्रोशिया है इसके ऊपर जॉइंट कर देंगे इस तरीके से आएगा गाइस। अब चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया, अब इसे सिल्प स्टिच करेंगे। तो देखिए जो हमारी ये सिंगल डबल क्रोशिया थी उसी में हम इसको सिल्प स्टिच कर देते हैं इस तरीके से। सिल्प स्टिच हो गई, अब इस वाले धागे को छोड़ के इससे नेक्स्ट वाले धागे को लगाऊंगी। तो इस तरीके से लॉक कर लिया ये। अब देखिए पहले राउंड में हमने तीन की चेन ली थी, फिर दूसरे राउंड में हमने चार की चेन ली है, अब उससे नेक्स्ट राउंड में अब इस वाले राउंड में मैं पांच चेन लूंगी, एक दो तीन चार पाँच,
और गैस यहाँ हम सिल्प स्टिच करते हैं इसलिए एक चेन एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो ये हो गई छः, छः चेन ले ली। अब इससे जो हमारी सिंगल डबल कुर्सिया है इसी में सिंगल डबल कुर्सिया के साथ ज्वाइंट कर देंगे हम इस तरीके से। इसमें एक चेन ज़्यादा लेते हैं गैस। अब देखिए, अब इसमें हमने छः चेन ली थी तो इससे नेक्स्ट वाले में मैं पाँच चेन लूँगी, एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन ले ली गैस। अब सिंगल, अब इसमें तीन थी इसके बाद चार हो गई, चार के बाद अब मैंने ये पाँच चेन ली है। तीसरे राउंड में पाँचवीं चेन में सिंगल डबल कुर्सिया के साथ ज्वाइंट कर दूँगी इस तरीके से। फिर देखिए, एक दो तीन चार पाँच, और फिर सिंगल डबल कुर्सिया के साथ ज्वाइंट कर दूँगी मैं इसको। सिंगल डबल कुर्सिया जो बनाते हैं उसी के बीच में डालना होता है हमको, और सिंगल डबल कुर्सिया के साथ ही ज्वाइंट कर देते हैं। देखिए गाइस, यहाँ हम सिल्प स्टिच करते हैं क्योंकि लास्ट में आके यहाँ सिल्प स्टिच करेंगे तो जो एक चेन एक्स्ट्रा लेते हैं उसी चेन में हम सिल्प स्टिच कर देते हैं, तो ये बराबर हो जाएगी गाइस। तो देखिए इस तरीके से राउंड कंप्लीट करना है आपको। तो चलिए, और बाकी की सब चेनों में मुझे पाँच पाँच, पहले मैंने तीन चेन ली थी उसके बाद चार, चार के बाद पाँच, पूरा राउंड हमें पाँच चेन का कम्प्लीट करना है। अब देखिए ये राउंड कम्प्लीट हो गया। अब जो हमने एक चेन इसमें ज़्यादा ली थी तो उसी एक चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। अब देखिए, इस वाले धागे को छोड़ के इस वाले धागे को लूंगी। तो देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारा बनता हुआ आएगा। फिर मैं, अब ये पांच चेन का राउंड था, अब मैं छह चेन का राउंड बनाऊंगी इसमें, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चेन का राउंड, और ये सिंगल डबल क्रोशिया में जॉइंट कर दूंगी इसको। फिर एक दो तीन चार पाँच छः, और फिर सिंगल डबल क्रोशिया में जॉइंट कर दूंगी। तो देखिए इस तरीके से आएगा ये। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, यहाँ फिर मैं सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर दूंगी, इसमें सिल्प स्टिच कर दूंगी इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये ऐसे बन के आ रहा है इसमें। तो एक एक चेन मैंने अलग अलग कलर की बनाई है, अब इसको छोड़ के इससे बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छः, छः का हमने ये राउंड कर दिया था तो एक एक्स्ट्रा लेंगे सात। अब सात चेन का हम राउंड बनाएंगे। तो देखिए इसकी सिंगल वाली सिंगल डबल क्रोशिया में मैं जॉइंट कर दूंगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब सात चेन का हमें राउंड कंप्लीट करना है सिंगल डबल कुर्सिया में, सिंगल डबल कुर्सिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए गाइस, हर राउंड पर मुझे एक एक चेन बढ़ाते हुए आना है और कलर चेंज करना है इसका, एक 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 राउंड इस कलर का और एक राउंड इस कलर का, ऐसे ही दोनों एक एक करके राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिए हैं इतने सारे। देखिए कितने राउंड हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ चेन की राउंड हैं गाइस, और एक वाइट और एक दूसरे कलर की और एक दूसरे कलर की। और हर चेन पे मैंने तीन से स्टार्ट किया, तीन के बाद में देखिए, पहले स्टार्टिंग में मैंने तीन चेन बनाई, फिर दूसरे राउंड में मैंने चार चेन बनाई है, फिर तीसरे राउंड में मैंने पाँच चेन बनाई हैं, और चौथे में छः चेन बनाई हैं, फिर पाँचवें में सात चेन, फिर आठ, फिर नौ, दस, ग्यारह, बारह, बारह चेन पे आके मैंने ख़त्म कर दिया गाइस। अब देखिए, अब मैं इससे आगे बनाऊंगी, अब ये वाला कलर लगाऊंगी मैं इससे आगे। तो पहले इसे लॉक कर लूंगी इस तरीके से, ये मैंने लॉक कर लिया और इसे खींच दूंगी। अब देखिए, ये जो हमारी नौवीं चेन, ये वाली लास्ट की जो चेन है, इसके अंदर मैं डबल कुर्सिया करते हुए जाऊँगी, सिंगल डबल कुर्सिया में एक बार डबल कुर्सिया कर देंगे,
सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से आएगा, बार डबल क्रोशिया करना है, एक आ गई सिंगल डबल क्रोशिया। तो सिंगल डबल क्रोशिया के बीच में डाल के हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सभी चेनों में ये वाइट कलर की जो लास्ट वाली चेन है उसके ऊपर हमें इसी तरीके से बनाना है गाइस, देखिए। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर जो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में सिंगल डबल कुर्सियाँ थी उसी पर हम डबल कुर्सियाँ कर देंगे पहले, जो हम करते आ रहे हैं उसी में ये डबल कुर्सियाँ हो गई। अब देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था वहीं पर डालेंगे और इसको हम सिल्प स्टिच करके एक चेन लेके इसे कट कर देंगे। देखिए गाइस ये इस तरीके की लग रही है, आपको ऐसे रखनी है तो ऐसे भी रख सकते हो। इसके बाद में गाइस जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था मतलब तीन की जो चेन थी यहाँ पर आपने, यहाँ से हमने ये चोली ये वाइट तक यहाँ ऑरेंज कलर से हमने स्टार्ट करा था, तो यहीं से फिर मैं दोबारा से करूँगी। तो देखिए यहाँ से डालूँगी चेन इस तरीके से, जो हमारी फर्स्ट चेन थी बेस का फर्स्ट राउंड हमने स्टार्ट करा था वहीं से हम इसको पहले लॉक कर लेंगे वाइट कलर, और फिर तीन की चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन की चेन बनाने के बाद में गाइस जो हमारी तीन की चेन थी उसी के अंदर फिर हमें डबल क्रोशिया करना है इसी तरीके से जैसे हमने नीचे करा था। तो तीन की चेन में एक तीन की चेन हो गई, एक डबल क्रोशिया दो हो गई, फिर एक और करेंगे तीन और चार, और ये हो गई हमारी पांच। तीन की चेन में हमने पांच बार डबल क्रोशिया करा है। उसके बाद जहां हमने सिंगल डबल क्रोशिया से सिल्प स्टिच कराया यहां पर वहां हम डबल क्रोशिया ले लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया में, जहां हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा था, और जो हमारा धागा है उसे साथ में ही ले लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आएगा, और फिर नेक्स्ट इसी तीन की चेन में इसी तरीके से पांच बार डबल क्रोशिया करना है, एक दो तीन चार और पांच, और जहां हमने सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट करा था ये वाला यहां पर भी हम डबल क्रोशिया ले लेंगे सिंगल डबल क्रोशिया में। अभी हमें डबल क्रोशिया करना है गाइस इस तरीके से, तो हमारा ये इस तरीके से बन के आएगा आप देख सकते हो। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारी बन के पोशाक कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि हमने इधर दिखाया आपको पीछे इसका बेस हमने इस तरीके से बनाया है कि पहले तीन चेन से स्टार्टिंग किया था, तीन के बाद चार चेन हो गई, चार के बाद पाँच चेन हो गई, पाँच के बाद छः चेन हो गई, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद बारह। इस तरीके से हर चेन में मुझे एक एक हर राउंड पर एक एक चेन बढ़ाते हुए आना है। तो इस तरीके से ये हमारा बेस बन जाएगा। उसके बाद में गाइस सबसे पहले देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन थी बेस के स्टार्टिंग, बेस के तुरंत बाद जो फर्स्ट चेन थी उसमें हमने जैसे फर्स्ट चेन में हमारी तीन की चेन बनाई थी फर्स्ट चेन, तो उसमें हमने डबल क्रोशिया पाँच करी हैं गाइस। एक तीन की चेन में पाँच बार डबल क्रोशिया करके फिर हमने सिंगल डबल क्रोशिया में फिर डबल क्रोशिया एक करी है, उसके बाद फिर तीन की चेन में पांच बार डबल क्रोशिया करिए। इस तरीके से ये ऊपर वाला राउंड हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद देखिए एक दो तीन, एक दो, एक दो चेन छोड़ने के बाद में तीसरे नंबर की जो चेन है उसमें फिर हमने ये वाला राउंड बनाया है, और इसमें हमने ये हमारा जैसे तीन की चेन के बाद चार की चेन आ गई, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सातवीं चेन में सात चेन की जो हमने चेन बनाई है चौथे राउंड में
उसमें हमने फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 करे हैं गाइस। इसमें इस चेन में हमने 10 बार डबल क्रोशिया करी है। उसके बाद देखिए फिर फर्स्ट चेन में उसमें हमने एक बार जहाँ सिंगल डबल क्रोशिया थी वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया कर दी है। तो हमने दूसरे राउंड में 10 बार चेन ली है। पहले राउंड में 6 बार एक 3 की चेन में हमने 6 बार डबल क्रोशिया करा और दूसरे राउंड में हमने 10 बार डबल क्रोशिया करा है उस चेन में। ये चेन चौथे नंबर की है उसमें। उसके बाद फिर हमने फिर दो चेन छोड़ी हैं, देख सकते हो आप। एक दो दो चेन छोड़ने के बाद में फिर दोबारा से हमने इसमें राउंड करे हैं। देखिए गिनती हूँ अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इसमें हमने टोटल 10 किए थे। 10 के बाद में हमने जो राउंड बनाया वाइट कलर का उसमें 15 डबल क्रोशिया करा है इसमें। उसके बाद में इसमें देखिए इसमें काउंट करके दिखाते हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो गाइस इसमें देखिए पहले हमने 6 किए, 6 के बाद हमने 10 किए हैं, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। इस तरीके से हमने चारों राउंड कंप्लीट करे हैं। अगर आपको, मैंने थोड़ा सा ये अलग अलग दिख रहा है, ये ऐसा बनाया है, अगर आपको ये जो प्लेट्स बनानी हैं ये पास पास बनानी है तो दो, जैसे मैंने 3 बीच में छोड़ी हैं, आप 2 बीच में छोड़ने के बाद में प्लेट्स बनाइएगा। और मैंने यहाँ 3-3 छोड़ी हैं, आप 3-3 नहीं छोड़िएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग से बना सकते हो। क्योंकि ये चेन होती है, चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। बहुत इजी है भाई गाइस, और बहुत आसानी से भी बन जाएगा गाइस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि ये मेरी पोशाक कैसी लग रही है। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।